हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल एंड इट्स मी तमन्ना सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्लास ट्वेल्थ फाइन आर्ट्स बुक ओके सो so, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से दैट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनचर पेंटिंग्स इन इंडिया मैंने जो है एलेवंथ क्लास का पूरा जो है फाइन आर्ट्स का कोर्स कम्प्लीट कर लिया है और इसलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ का क्योंकि आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप ट्वेल्थ का भी करवाओ सो या आई एम हेयर विद दिस ट्वेल्थ क्लास सीरीज़ और मैंने जो है हैंड रिटेड नोट्स भी बनाए हुए हैं सो so, अगर आपको चाहिए वो नोट्स तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स या फिर मेरे को आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो ठीक है uh, मैं आपको बीच में दिखा दूंगी मैंने किस टाइप से नोट्स बनाए हैं सो इस वीडियो को फुल्ली वॉच करना ठीक है अच्छे से बनाया राइटिंग आपको आ जाएगी समझ में और सुंदर से नोट्स हैं ठीक है सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट एट ठीक सो हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनीचे पेंटिंग्स के बारे में ठीक है अब अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री है ना किसी भी कंट्री को हम डेवलप्ड कैसे कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यू की बात करूँ या जापान की बात करूँ तो हम उसको डेवलप्ड कैसे कह रहे हैं हम कैसे कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोसेज़ हैं और वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं उनकी नीड्स को है ना इसी तरह से जब भी हम यही चीज़ इसमें दी है कि हम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या प्रोग्रेस कैसे कहेंगे बिकॉज ऑफ़ इस पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक है इन तीन चीज़ों के थ्रू हम बता सकते हैं कि को, कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या डेवलप कर रही है ठीक है अब हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करी तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या इंक्लूड करते हैं सो ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट को किसी भी ह्यूमन कहीं ह्यूमन की की बात करें ना तो अगर कोई भी ह्यूमन अगर एजुकेटेड है, है ना और उसका कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है सो so, हम कह सकते हैं कि वहाँ के किसी भी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे हुए हैं अच्छे हैं ठीक है सो कल्चरल डेवलपमेंट अब जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो फाइन आर्ट्स या हम कह सकते हैं आर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कल्चरल एडवांसमेंट के लिए ठीक है और जो कल्चरल uh, एडवांसमेंट है बेसिकली कहाँ से uh, जो है रिफ्लेक्टेड हुआ है सो इट इज़ हेर रिफ्लेक्टेड द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलइजेशन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे प्लांट सिटीज़ थी और वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम था आर्किटेक्चुर एडवांसमेंट थे है ना अलग अलग टाइप की टेक्निक्स थी कास्टिंग करते थे वो लोग मेटल्स की तो डिफरेंट चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा वे में थी इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा फेमस भी था ठीक है अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो सो आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है जो कि फ़र्स्ट चैप्टर है आपका उसमें भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं ठीक है अब हम लोग ने जो है ये सारी हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा है ये हमें बताती हैं कि कैसे जो आर्ट है हमारी वो ग्रेजुअली डेवलप की है है ना कैसे धीरे धीरे हमारा जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट आया है ठीक है अब जैसे हमने पढ़ा था आर्ट कल्चर कल्चर जो कि मॉडर्न पीरियड में था शंगा पीरियड में था कोशाना पीरियड में था या गुप्ता पीरियड में था तो कैसे धीरे धीरे जो हमारा आर्ट वर्क है वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड हुआ है हमने पढ़ा था क्लास एलेवेंथ में जो कि एक चैप्टर भी था और उसका वीडियो अगर आपको देखना है सो यू कैन फाइंड इट आउट ऑन द चैनल है ना सो so ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं ठीक है अब हम यहाँ पे बताएंगे हम लोग इधर इस बुक में या इस चैप्टर में कह सकते हैं क्या पढ़ेंगे कि कैसे न्यू ट्रेंड्स या न्यू एरा कह सकते हैं एग्जिस्ट हुआ ठीक है कैसे इवोल्यूशन uh, हुआ आर्ट का ठीक है दो टाइप्स की जैसे न्यू न्यू आर्ट्स है जैसे पाला डायनास्टी जो कि वेस्ट बंगाल की थी और जैन मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि गुजरात रीजन के थे कैसे वहाँ पे न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग आई जिसको हमने क्या नाम दिया मिनिएचर पेंटिंग्स का ठीक है ये जो पेंटिंग्स थे बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड थी इंडिया के सारे ही रीजन्स में और मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन्स में बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड थी जैसे हम देख सकते हैं और ये जो मिनीचर पेंटिंग थी ये इंक्लूड करती थी अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग को जैसे हम कह सकते हैं इंडैकन स्टाइल की पेंटिंग्स मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स राजस्थान स्टाइल पहाड़ी स्टाइल और मिडल इंडियन इंडिया स्टाइल की पेंटिंग्स को ये जो है इंक्लूड करती थी ठीक है अब मिनीचर का मतलब क्या होता है मिनीचर का मतलब होता है स्मॉल या आ, बहुत ज़्यादा छोटी होती है साइज़ में ठीक है बट ये जो पेंटिंग्स थी साइज़ में तो स्मॉल थी बट उनमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स मिली है हम लोग को कैसे अगर हम किसी छोटी सी लीफ की भी बात करें तो एक सिंगल लीफ में बहुत ज़्यादा मैडियो डिटेल्स बनाई गई हैं यही फ़ीचर है मिनीचर पेंटिंग्स का ठीक है ये जो है क्लॉथ्स या पाम लीव्स या फिर हम पेपर में भी कह सकते हैं ये सारी जो है मिली हैं मैम और ये मिनीचर पेंटिंग्स इन सब चीज़ों में बनाई गई हैं ठीक है जब ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में सो उन लोगों ने क्या किया था आ, इंडियन आर्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था ठीक है सो so, जो आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के उन्होंने ट्राई किया था कि एक न्यू स्टाइल को डेवलप करें हम जो कि वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल से भी थोड़ी सिमिलर हो और हम लोग को अच्छी भी लगे है ना और उस आर्ट को उन्होंने नाम दिया था मॉडर्न या फिर कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्ट ठीक है सो so, इसके बारे में भी इस बुक में बात हुई तो हम लोग दो ही मेनली चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पहला तो है मिनियशोर पेंटिंग्स और उसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स देखेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा राजस्थानी पहाड़ी स्टाइल दैन मिडिल इंडिया हरकन स्टाइल मुगल स्टाइल तो ये सब देखेंगे और उनके भी सब स्कूल्स देखेंगे जैसे राजस्थानी में हम कह सकते हैं बूंदी मेवाड़ वो सब आप आगे के फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे ठीक है तभी सिर्फ़ इतना जान लो कि उसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न या फिर कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में ठीक है अब इस पीरियड में क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं डिफरेंट टेक्नीस कह सकते हैं मैथड्स हैं उन लोगों ने अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया ठीक है ओके सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आई विल शो यू माई नोट्स जो कि मैंने बनाए हुए हैं so, सो ये वाले नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं इसमें मैंने स्पेसिफ़िकली सारी ही डिटेल्स डाली हुई हैं कि पहले मनीचर uh, पेंटिंग क्या होती है क्या मटेरियल से बनाई जाती हैं क्या टेक्निक है जो कि बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है वो सब चीज़ मैंने इस नोट्स में दी है कौन से कलर्स कौन से ब्रशेज़ यूज़ होते हैं कौन कौन से स्कूल हैं पाला स्कूल उनके फ़ीचर्स क्या हैं जैन स्कूल उनके फ़ीचर्स क्या हैं सब चीज़ें मैंने नोट्स में दी हुई हैं उसके अलावा जो हमारा सेकेंड चैप्टर है फर्दर वीडियोज़ में आप लोग पढ़ोगे उस सेकेंड चैप्टर में जो सब स्कूल्स हैं उनके फीचर्स नहीं दिए हुए हैं और अच्छे से डिफ़ाइन नहीं है ईजी लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें नोट्स में इंक्लूडेड हैं सो so, अगर यू वांट दीज नोट्स दैन लेट मी नो इन द कामेंट सेक्शन या फिर आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो चर पेंटिंग्स को पढ़ते हैं ठीक है मिनिएचर पेंटिंग्स मैंने पहले ही बताया स्मॉल इन साइज बट इनफ डिटेल्स होनी चाहिए ठीक है ये जो पेंटिंग स्टाइल है कब वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ द टेंथ सेंचुरी ए ठीक है अब एक पेंटिंग है uh, या मैन्यूस्क्रिप्ट है सॉरी प्रज्ञा परमिता ये जो है एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि एज अ मिनिएचर पेंट की, uh, की गई थी पाम लीव्स पे ठीक है और ये कब पेंट की थी अराउंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ए में ठीक है ये वाली जो मैन्यूस्क्रिप्ट uh, है ये फर्स्ट सोर्स है मीनिएचर पेंटिंग का अभी तक जितना भी पता चला है ठीक है फिर इसके अलावा कल्पसूत्र पेंटिंग्स भी पेंट की गई हैं पाम लीव्स पे और स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स पे भी ठीक है और इस पीरियड में यानी टेंथ से लेके फोर्टीन सेंचुरी के बीच में इसके अलावा और कोई पेंटिंग नहीं पेंट हुई है ठीक है जो कल्पसूत्र ट्रेडिशन था वो इफ़ेक्टिव रहा फिफ्टीन सेंचुरी तक और जो मांडू कल्पसूत्र है फोर्टीन हंड्रेड थर्टी नाइन एडी का वो प्रिपेयर हुआ है एक जेनल स्टेडिकटेक्ट के लिए ठीक है नाउ फोर्टीन सेंचुरी में क्या हुआ पेपर इंट्रोड्यूस हो गया पेपर इंट्रोड्यूस हो गया पेपर बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती थी उसमें ड्यूरेबिलिटी होती थी स्मूथनेस होती थी, थी उसके कारण जो है लोग पाँवली से ज़्यादा पेपर को यूज़ करने लगे ठीक है uh, अब डिमांड भी बढ़ गई पोर्ट्रेट्स की गॉड्स और गॉडेसेस की पोर्ट्रेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और उसके अलावा हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम जो रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईगर थे उनकी खुद की पोट्रेट्स के लिए अब जो पोट्रेट्स हैं मनीचर पेंटिंग्स जो है उनको उसको कंजर्व किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट्स सो ये जो पोट्रेट्स हैं ये प्रमोट की थी अकबर ने ठीक है अकबर ने जो है पोर्ट्रेट्स को प्रमोट किया था पहले क्या होता था वुमेंस की पोर्ट्रेट्स अलाउड नहीं थी बट जब पोर्ट्रेट बनी नूर जहाँ की तो जहांगीर ने प्रमोट किया वुमेन पोर्ट्रेट्स को भी ठीक है अब धीरे धीरे फैमिली की चीज़ें पेंटिंग्स बनने लगी है ना सबकी पेंटिंग्स बनने लगी तो जो फैमिली एल्बम्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गए मतलब वो भी बनने लगे ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टाइल से हम देख सकते हैं स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया ठीक है अगर हम प्राइमरीली देखें मतलब स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग से तो दो स्कूल हम लोग को बताए गए हैं एक है पाला स्कूल और दूसरा है जैन स्टाइल ठीक है आफ्टर आ गए मुगल राजस्थानी पहाड़ी डेकिन और इस टाइप के स्कूल्स आ गए बट पहले मेनली जो है पाला और जैन स्टाइल के स्कूल एग्जिस्ट करते थे जो पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो बेसिकली बेस्ड था इन जो लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के इंसिडेंट्स है उस पर बेस्ड था ठीक है बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज या कह सकते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी सीन्स थे वो पेंट किए गए थे ठीक है बंगाल में और उसके आसपास के एरिया में कब एट्थ से लेकर एलेवेंथ सेंचुरी के बीच में ठीक है uh, ये जो है पेंटिंग्स वर मेड इन द पैटर्नेज ऑफ द किंग्स ऑफ द पाल डायनेस्टी जो भी थी और इसको कहते थे पेंटिंग्स ऑफ पाला स्टाइल सो यहाँ पे आप लोग कुछ पाला स्टाइल की पेंटिंग्स को देख सकते हो ठीक है ना दूसरा है, of in the pages of and है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ठीक है ये जो पेंटिंग्स पेंटेड इन द पेजेस ऑफ कल्पसूत्रा एंड इसमें जो कि तीर्थंकरस हैं महावीरा पार्श्वनाथ और नैमीनाथ जो कि जैन डी डीज़ हैं तीर्थंकरस हैं इनकी जो पिक्चर्स हैं ये पेंट करी गई थी पावलीस पे भी और क्लॉथ पे भी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पेंटिंग्स ऑफ जैन स्टाइल ठीक है अब क्या करेक्टर्स थी इन पेंटिंग्स की सो so, गोल्ड डार्क कलर्स और बहुत ज़्यादा इसमें लाइवलीनेस दिखाई गई थी और डॉल्फिश वुमेन और मैन एंगुलर फेसेस आई पीपिंग आउट फ्रॉम द फेसेस शार्प नोज कॉस्टली क्लोथ्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन पेंटिंग्स की ठीक है विद दिस हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है अब हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप लोग टेलीग्राम पेज जो हमने चैट ग्रुप बनाया उस पर भी पूछ सकते हो ठीक है अब हम क्वेश्चन देखते हैं ठीक है पाला स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू पाला स्टाइल ऑफ पेंटिंग आती वेस्ट बंगाल में मैंने आप लोग को बताया था और जो जैन स्टाइल पेंटिंग थी वो गुजरात में थी ठीक है इनिशियल मिनीचर पेंटिंग्स वो पेंटेड ऑन पहले जो मिनीचर पेंटिंग्स थी वो किस चीज़ पे बनाई गई थी बनाई बनाई जाती थी सो पाम लीव्स पे भी बनाई जाती थी क्लोथ्स पे भी बनाई जाती थी ठीक है और पेपर पे भी बनाई जाती थी बट यहाँ पे पूछा है इनिशियली कहाँ बनाए जाते थे तो ए, सब पुराने टाइम में जब पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो पाम लीव्स और क्लोथ पे बनाए जाते थे तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी ठीक है नेक्स्ट है विच इज़ फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्रज्ञा परमिता इट इज़ अ जैन मैन्युस्क्रिप्ट नो हमने पढ़ा था इट इज़ अ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट तो फिर जैन मैनुस्क्रिप्ट कौन सी थी कल्पसूत्र है ना सो ये वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा दूसरा हम पढ़ लेते हैं फॉर आर नॉलेज कि इट वॉज़ पेंटेड एज मनीचर ऑन पाम लीवस ये सही है बुद्धिस्ट मेन्यूस्क्रिप्ट है ये भी सही है इट इज वज इट वॉज पेंटेड अराउंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी ये भी सही है ठीक है नेक्स्ट है विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कल्पसूत्र ये भी हमने डिस्कस किया इट इज़ अ बुद्धिस्ट मेन्यूस्क्रिप्ट नहीं ये कौन सी मेन्यूस्क्रिप्ट है जैन मेन्यूस्क्रिप्ट ठीक है पेंटिंग ऑफ दिस सीरीज़ व पेंटेड ऑन पाम ट्री लीव्स ओके दीज मैनी मेच पेंटिंग्स और पेंटेड ड्यूरिंग टेंथ टू फोर्टीन सेंचुरी एडी ये भी सही है ठीक है सो इसका इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है ए वाला तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ठीक है मैं जो है आप लोग को थोड़ा थोड़ा थोड़ बता देती हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे पहला है वर्ट इज़ प्रज्ञा परमिता प्रज्ञा परमिता हम बता सकते हैं बुद्धिस मैनोस्क्रिप्ट है जो कि पामली इस पर बनाई जाती थी और ये जो है फर्स्ट जो है सोर्स था अभी तक जो भी पता चला है मैनीचर पेंटिंग का उसमें से फर्स्ट सोर्स था ठीक है दूसरा है हुम द कल्पसूत्रज आर रिलेटेड और इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो हम बता सकते जैन आर्ट्स से रिलेटेड है कल्पसूत्र और इसमें डी दी, डी दिखाए गए जैसे पार्शनाथ नीमीनाथ एंड महावीर जो कि एक्चुअली में उनके तीर्थंकर हैं सो तो वो सब दिखाए गए हैं तो हम उसको बता सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं कि गुजरात वगैरह में हमें मिली है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब हम लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है ठीक है ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड अ नाइस डे